तो बाइक की डिमांड है कि बैनर को चालू करो, साउंड सुनिए। तो देख लो गाइस, यहाँ पे हमारे दोनों मिरर इंस्टॉल हो चुके हैं। ये डेमो में कुछ इस तरीके से डोर खुलते हैं दोनों, देखो। एंड ये देख लो, सेम वैसा। सो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। आपको पता था कि हम डोर बना रहे थे, डोर में बहुत टाइम निकल गया, बट क्या है कि चीज़ी को जैसी है बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो देखो, अभी सब कुछ हमने हैवी कर दिया है, पक्का वेल्डिंग कर दिया, मतलब 80% पक्का वेल्डिंग है, थोड़ा बाकी है, बस वेल्डर आ रहा है। देखो, हमारा ये वाला भी डोर ओपन हो रहा है, देखो वो वाला भी डोर ओपन हो गया है। दोनों डोर कुछ इस तरीके से ओपन हो गए। एंड देखो, दोनों एक साथ ओपन हो सकते हैं। एंड दोनों टच भी नहीं करेंगे, उसका एक लिमिट होगा कि यहाँ तक जाएगा तो लॉक हो जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, तो वैसा सेटिंग बनाना है। अभी मेन चीज़ क्या है, अभी हमको ये वाला हाइड्रोलिक लगाना है, क्योंकि देखो अभी इजीली ओपन तो हो रहा है, बट उसको पूरा फिक्स करना पड़ेगा। इससे फिक्स करेंगे, ऊपर होगा, नीचे होगा, इससे होगा। तो ये वाला हाइड्रोलिक लगने वाला है, वो कैसे लगाएंगे वो आज आपको दिखाएंगे। एंड इजीली खुलेगा, इजीली बंद होगा, वैसा सिस्टम बनाना है, बनाएंगे। उससे पहले कुछ नया प्रोडक्ट अपन लेके आए हुए हैं, जो हमको स्काई बॉय ने भेजा हुआ है। स्काई बॉय एक पेज है इंस्टा पे, जाके आप देखना, वेबसाइट भी है। एंड व्हाट्सएप भी ऑर्डर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में चीज़ें देते हैं। कौन सी चीज़ मैंने मंगवाई भी दिखा देता हूँ आपको। अभी एक नए मिरर आए हुए हैं, ये वाले मिरर देखो, मॉन्स्टर मिरर बोलते हैं इसको, मॉन्स्टर मिरर, रियर मिरर है। देखो इसका पैकेज है, एंड ये मिरर है। अभी तक हमने बहुत सारे विंग्स मिरर देखे, बट ये कुछ अलग विंग्स मिरर है, मॉन्स्टर मिरर बोलते हैं इसको, इंडिकेटर भी अंदर आता है सर। एक काम करते हैं, ये वाले मिरर अपन लगाएंगे अपनी बैनली में, अपनी S1000RR में ये वाले मिरर इंस्टॉल करेंगे। चलो वो भी करेंगे। मिरर के साथ ये सब चीज़ें आती है, देखो क्लैंपिंग आती है इसके, इसके नट बोल्ट आते हैं, ये देख लो स्टेयरिंग डैम्पर, ये भी हमने मंगवाया हुआ था स्टेयरिंग डैम्पर। हमारी जो बैनली है वो हमने बहुत ज़्यादा भगाई थी, उसमें क्या हुआ था, गड्ढा आ गया था, तो पूरा ऐसा 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 हो गया था। मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया था, बट ऐसा हुआ, तो उसके लिए मैंने स्टेयरिंग डैम्पर मंगवा लिया हुआ है। ये अपने बैनर में फिटिंग होगा, कैसे फिटिंग करना है वो सब कुछ देखना बाकी है। इससे क्लैंपिंग भी बनाने पड़ेंगे, ये बहुत ही हैवी है। अभी ये बहुत खतरनाक ट्रेंड में चल रही है ये लाइट, छोटी सी लाइट है बट है खतरनाक। मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइट भी, ये चार्जिंग केबल उसका, ये लाइट, ये देखो, तो बहुत ही हाई बीम है। अभी क्या दिन है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बहुत ही हाई बीम है। इसमें तीन मोड आते हैं, देखो, ये ब्लिंकिंग, ये ऑफ, ये ऑन, थोड़ा लो, ये तीन मोड आते हैं। एंड और एक चीज, RM5V3 के आई स्टिकर, RM5V3 का ज़्यादा हेडलाइट, उसका स्टिकर है, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, ये भी आया हुआ है साथ में। एंड एक, एंड और एक बात, ये यूनिवर्सल मिरर भी है, हैंडल बार मिरर, जो हैंडल आता है, हैंडल उसमें लास्ट में लगते हैं वो वाले मिरर, ये सब बाइक में लग जाएंगे। इस तरीके से मिरर होगी, और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, थोड़ा लूज करना पड़ेगा। तो ये सेट आया हुआ है, टोटल इतनी सारी चीज़ आई हुई है, इसको फिटिंग करते हैं एंड देखते हैं कि लुक कैसा आएगा। चलो लेके जाते हैं अपनी बैनली के पास। तो देखो, बैनली में ये वाले मिरर लगाए हुए हैं, S1000 के आते हैं ना मिरर, वो वाले मिरर है। तो इसको चेंज करना है, आगे से लुक देख लो कि लुक कैसा आ रहा है। अभी कुछ ऐसा लुक आ रहा है, देख लो। अभी ये वाले मिरर लगाते हैं, देखते हैं कि कैसा लुक आता है इसका। आपका नंबर मेरे पास है पर मैंने कॉल नहीं किया, मैंने फ्रेंड को कॉल की, मैंने सोचा ब्लॉग ब्लॉग बना रहे हो इसलिए मैंने कॉल डिस्टर्ब नहीं। मेरा नंबर भी है भाई के पास, तो भी भाई ने कॉल नहीं किया, परेशान नहीं किया, परेशान तो ऐसी बात नहीं है, बट कुछ काम हो तो कॉल कर देने का। बट प्रकाश भाई हमारे, मैंने प्रकाश भाई को नंबर दिया था तो दिन में 50 कॉल कर रहे थे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई की डिमांड है कि बैनली को चालू करो, साउंड सुनिए, सुनिए पक्का। लाइक कर दो।
तो देख लो गाइस, यहाँ पे हमारे दोनों मिरर इंस्टॉल हो चुके हैं। बहुत ही सही लुक आ रहा है। पहले जो था वो सिंपल मिरर था, बट ये थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर, इसको बोलते हैं मॉन्स्टर मिरर। तो कैसे कोई भी बाइक में आ जाएंगे, यूनिवर्सल है, R15 V3 या लो कोई भी स्पोर्ट बाइक में ये वाले मिरर लग जाएंगे। तो दूर से देखो, दूर से कैसे लग रही है बाइक, देखो कैसा लुक आ रहा है दूर से। तो कुछ इस तरीके से लगती है। और ये वाले मिरर मैंने स्काईबॉय से मंगवाए थे। आपको भी बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय करो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इंस्टा आईडी दिया हुआ है, एंड वेबसाइट भी दिया हुआ है, जाके बाय करो। अभी जो हमने बाइक खोला, किसके लिए खोला, अभी हमको लगाना है स्टेयरिंग डंपर। ये वाला देखो, यहाँ पे जो दो बोल्ट है उसके अंदर से अपन क्लैंप बनाएंगे, एंड कुछ इस तरीके से, एक मिनट तो इसको दबा रहे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा हमको स्टेयरिंग डंपर लगाना है। हमारा स्टेयरिंग डंपर अभी काम बाकी है। ये वाली प्लेट थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, उसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी देखो काम तो कर रहा है, देखो देखो लुक भी अच्छा आता है, बट उसको अच्छा फिनिशिंग के साथ काम करना पड़ेगा। इसका काम चाड़ना, द्वारा का काम तो बाद में फ्री टाइम में करेंगे, बट हमको हमारी टीएसओ का काम करना है। आपको पता था छोटा मोटा फाइनल वेल्डिंग करना बाकी था, तो वो हो रहा है। वो हो जाने के बाद अपन लगाएंगे हाइड्रोलिक सिस्टम, उसके बाद आगे काम स्टार्ट होगा। डोर जो लॉक होता है, दोनों डोर एक साथ खुलने चाहिए, वो सब करना है, तो वो सब आज करने वाले, तो वीडियो पूरा देखना। गाड़ी के अंदर जो टैंक लगा हुआ था सेंटर का, वो सब निकाल देंगे। अभी कुछ नहीं रखना है, बस इसको फाइनल करना है, फाइनल वेल्डिंग। ये देखो, ये सब फिनिशिंग करना है, अंदर का भी फिनिशिंग करना है, एंड फाइनल वेल्डिंग चालू है। देखो 5:12 हो चुकी है, एंड हमारा काम सुबह से 10 से कंटिन्यू है, इसका पक्का वेल्डिंग करने का। तो देखो ये सब जगह पे, देखो जो आपको यहाँ पे देखो, ये सब जगह पे पक्का वेल्डिंग हो चुका है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये सब जगह पे हो चुका है। ये पूरा कवर कर लिया है, वो वाला कवर हो रहा है, उसके बाद आगे वाला। तो गाइस देख लो, हमारे दोनों डोर ओपन हो चुके हैं, गाड़ी का पूरा पक्का वेल्डिंग सब जगह पे हो चुका है। आ जाओ यहाँ पे दिखा देते हैं, देखो ये सब जगह पे हमने पक्का वेल्डिंग कर दिया है। पीछे का पूरा फ्रेम एंड ये डोर एकदम पक्का वेल्डिंग हो चुके हैं, एंड देख लो दोनों डोर हमारे एक साथ खुल चुके हैं। तो कैसे लग रहे हैं, ये डेमो में कुछ इस तरीके से डोर खुलते हैं दोनों, देखो। एंड ये देख लो, सेम ऐसा डोर, सेम ऐसी डिजाइन, सब कुछ हमने सेम टू सेम इसका जैसा बनाया हुआ है। तो कैसा लग रहा है, आज पूरा दिन इसका पक्का वेल्डिंग करने लगा, क्योंकि छोटी छोटी जगह पर भी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको पेंट करना है। तो बस आगे का जो फ्रेम है वही बाकी है, वो फ्रेम हो जाने के बाद हमारी कार कंप्लीट, उसके बाद फाइनल पेंट होने वाला है। तो बस एक दो दिन और वेट कर लो, डोर का हाइड्रोलिक भी कल लगा देंगे, कल संडे है तो कल हो जाएगा। काम तो पूरा दिन होता है, बट क्या है कि आपको वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाते, एक काम करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ये टेल्सो प्रोजेक्ट ना बहुत लंबा गया, मुझे पता है, एंड आप लोग बोल रहे थे कि धवल भाई और कितना टाइम लगेगा, बस आप लोग देख ही रहे हो, वही अपन कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।